हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है, ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स। ओके, एक्सपीरियंसिंग क्लिंजिंग टू द पास्ट, अलोननेस एंड मोरालिटी, स्ट्रेस, राइटनेस, द मास्टर, पॉसिबिलिटी एंड टोटैलिटी। ओके, सबसे पहले यहां पर और जो भी कार्ड्स हैं वो दिखते हैं। एडवेंचर है, नो नथिंग है एंड पेशेंस है। भाई बहुत पेशेंस रखा हुआ है पर्सन ने आपके बहुत ज्यादा इस समय पर, और काफी ज्यादा मतलब कुछ सोच नहीं है फ्यूचर को लेकर के। आप मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, नथिंग, कुछ ऐसा खास सोच नहीं रहे हैं, लेकिन एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि पेशेंस बहुत जबरदस्त बना के रखा है इन्होंने। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो एडवेंचर के साथ साथ इनके साथ पॉलिटिक्स भी खेलते रहे हैं, या ये इस समय पर किसी तरीके की राजनीति का शिकार हो रहे हैं और बहुत बुरा बुरा सा एक्सपीरियंस आ रहा है इनको। ठीक है, लाइफ में इस समय पर काफी स्ट्रेसफुल है ये पर्सन इस समय पर, और मे बी पास्ट की सिचुएशंस को फील कर रहे हैं। पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ में बुरा किया था तो इनको याद आ रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ बुरा किया था तो इनके साथ भी वो चीजें दोहराई जा रही हैं, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स जब इनके साथ हो रही है तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो सारी चीजें इनको याद आ रही है क्योंकि आपके साथ भी इन्होंने पॉलिटिक्स खेली है और ये अकेलेपन में ये चीज सोच रहे हैं, और हो सकता है अब ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि ये चीजें ठीक नहीं थी और अपने अंदर अंदर ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मोरल वैल्यूज को गिरा दिया था उस समय पर जब ये सभी चीजें आपके साथ ये कर रहे थे, जब ये इतनी ही बुरी तरीके की हरकतें आपके साथ कर रहे थे। स्ट्रेसफुल है इस समय, डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है इनको, बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग इनको नाच नचा रहे हैं जो इस लायक भी नहीं है, और ये सब कुछ कैपेबल होते हुए भी उन लोगों की बात मानने के लिए मजबूर हैं जिनके कोई औकात नहीं थी इनके सामने, डेफिनेटली। बट समय का फेर ऐसा है कि ये अब उनकी बातों को मानना, सुनना, देखना सब कुछ इन्हें करना पड़ रहा है इस समय पर, ऐसा लग रहा है। और ये भी है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं कि चलो मैं जो हूं जैसा भी हूं मुझे अपने कर्म का फल मिल रहा है। ठीक है, कर्मा मिल रहा है, और ये पर्सन इस समय बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है, बट इनको लगता है कि यूनिवर्स है, जो नेचर है वो अपना काम करते हैं, वो अपने काम को उसी तरह से करते हैं जैसे करना चाहिए और अपने अपने हिसाब से जीवन को जीते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलती को भी मान रहे हैं कि मेरी से गलती हुई है, मेरे से सारी चीजें बुरी हुई हैं। अभी ये पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ अपने रिलेशन को ठीक करने के बारे में जितना भी हो सकता है वो फील करना चाहते हैं, जितना भी हो सकता है वो देखना चाह रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये आपके साथ में जुड़ेंगे तभी चीजें ठीक होंगी, जब तक ये आपसे जुड़ नहीं पाएंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। तो जुड़ना तो पड़ेगा इन्हें, आपसे कनेक्ट तो होना पड़ेगा, ये इनका एक यही इकलौता एक सहारा है, यही इकलौती इनकी जो कहना चाहिए एक तसल्ली है इनको, और ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आने के लिए आतुर है इस समय पर, ये भी दिख रहा है। सो अपनी कर्मा इनको मिल रहा है और अपनी करनी पर पछतावा भी हो रहा है, दोनों चीजें यहाँ नजर आ रही हैं, और हो सकता है आपकी तरफ आए, कर्मा एंड करनी दोनों मिल रही हैं। सो ये है आपके लिए रीडिंग, आपके पर्सन की थॉट्स इस समय पर। अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं तो लिख दीजिए करनी और कर्मा
फ्लैशबैक और मिल 11/11 करके. सो आप इस पर क्लेम कर सकेंगे. पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है. रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स. मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग आपको करवा सकते हैं. अपना कैरियर ऑप्शंस, लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी जान सकते हैं. आपकी नेम की स्पेलिंग, बिजनेस नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, उसको करेक्शन की जरूरत है कि नहीं वो भी हम देखेंगे. आपके नाम की स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक है या नहीं है वो भी देखेंगे. जरूरत पड़ने पे चेंज भी कर सकते हैं. और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा. मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ. और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं. सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही. तब तक देखते रहिए डिवाइन डिवाइन टैरो 777 मेरा मेन चैनल है, इसलिए मेरे मुंह से वो निकलता है बार बार नाम, बट ऑल आर सेम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.